गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हुगेंस प्रिंसिपल। इससे पहले हमने वेव फ्रंट देख लिए हैं, और अगर आपने वेव फ्रंट नहीं देखे हैं तो वो टॉपिक आप देख लीजिएगा कि वेव फ्रंट क्या होते हैं। वेव फ्रंट अगर आपको पता होगा तो ही आप हुगेंस प्रिंसिपल समझ पाएंगे। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी गिवन वेव फ्रंट हो, कोई भी हो, जैसे ये एक गिवन वेव फ्रंट है ए बी, तो जिसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। ये गिवन वेव फ्रंट है, इसे आप प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं। इसके ऊपर हर पॉइंट, कितने भी पॉइंट ले लीजिए आप, हर पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। यानी जो प्राइमरी वेव फ्रंट है उसके ऊपर जो पॉइंट होते हैं वो न्यू डिस्टरबेंस के सोर्स के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ से डिस्टरबेंस चलेगी, जैसे यहाँ से डिस्टरबेंस चली ये चली, यहाँ से डिस्टरबेंस चली ये चली, यहाँ से डिस्टरबेंस चली ये चली, यहाँ से डिस्टरबेंस चली ये चली। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट होता है उसके ऊपर हर पॉइंट एक्ट करता है एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और जो ये डिस्टरबेंस है इन्हें हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। ओके, ये क्या था आपका प्राइमरी, क्लियर, प्राइमरी वेव फ्रंट। और यहां से जो इसके ऊपर हर पॉइंट से जो डिस्टरबेंस चली है वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी वेवलेट्स। अब ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स चल रही हैं ये ऑल डायरेक्शन में चलेगी, हर तरफ चलेगी, और किससे चलेगी? वेलोसिटी ऑफ लाइट से चलेगी। उस मीडियम में वेलोसिटी की, उस मीडियम में लाइट की जो भी वेलोसिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चलेगी। क्लियर? मैं आपको एक बार फिर क्लियर कर दूं, थोड़ा ध्यान देना। हुगेंस प्रिंसिपल में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपका जो गिवन वेव फ्रंट है उसे आप प्राइमरी वेव फ्रंट भी कह सकते हैं, और गिवन वेव फ्रंट के ऊपर पॉइंट्स जो होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे, सभी पॉइंट्स एक्ट करेंगे एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, जिन्हें आप सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। अच्छा, ये जो डिस्टर्बेंस चल रही है ये ऑल डायरेक्शन में चलेगी और विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, उससे चलेगी। और हुगेंस प्रिंसिपल का जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है कि जैसे आपकी ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स थी, ये इनको जो सरफेस टेंजेंशियली टच कर रही है, क्लियर, कोई भी सरफेस जो इनको टेंजेंशियली टच कर रही है, सेकेंडरी वेवलेट्स को जो सरफेस टेंजेंशियली टच कर रही है, अब टच तो देखना, इधर ये सरफेस भी इनको टेंजेंशियली टच कर रही है, और टेंजेंशियली इनको टच ये सरफेस भी कर रही है, जैसे ये ए वन ए टू, ए वन बी वन ए टू बी टू, तो सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली दो सरफेस कर रही है, ए वन बी वन भी कर रही है और ए टू बी टू भी कर रही है। तो इनमें से जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, अगर लाइट आपकी इस डायरेक्शन में जा रही है तो फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन सी होगी? ये होगी ए टू बी टू, ये। तो ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो सरफेस इनको टच कर रही है, मैं इनकी बात कर रहा हूं, तो जो सरफेस सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एट एनी इंस्टेंट, किसी भी समय, वो क्या कहलाती है? सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाती है। तो फिर ये आपकी सेकेंडरी वेव फ्रंट हो गई, सेकेंडरी वेव फ्रंट।
क्लियर। तो हुगेंस प्रिंसिपल में केवल दो पॉइंट थे, आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो पहले वेव फ्रंट समझ ले कि वेव फ्रंट क्या होता है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, आप जरा ध्यान से देखना। पहले पॉइंट में हमने क्या बताया है कि कोई भी वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट, जैसे यहां पे ए बी जो है ये गिवन वेव फ्रंट है, इसे हम प्राइमरी वेव फ्रंट भी कहेंगे। इसके ऊपर हर पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टरबेंस, और ये जो डिस्टरबेंस है ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहलाते हैं। इन डिस्टरबेंस को ही सेकेंडरी वेवलेट्स कहेंगे। ये ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और दूसरे पॉइंट में ये है कि कोई सरफेस जो इन सेकेंडरी वेवलेट्स को टेंजेंशियली टच कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो उसे हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कहेंगे। तो इस तरीके से ए बी क्या है आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, ये क्या है आपके सेकेंडरी वेवलेट्स, और जो ये सरफेस ए टू बी टू है ये क्या है सेकेंडरी वेव फ्रंट।